नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 23 की टक्कर आपका फैसला, सबसे बड़ी बहस आज ईवीएम पर। मध्य प्रदेश में चुनाव नतीजे आने के बाद अब विपक्ष ने एक बार फिर से हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू कर दिया है। आज चर्चा इसी मसले पर, और सवाल ये कि जीत गए तो हम और हार गई तो ईवीएम। जनादेश का सम्मान करने के बजाय ईवीएम पर सवाल क्यों? 2018 में जीत के बाद ईवीएम पर चुप्पी थी, 2023 में हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा है। हार का हिसाब देने से बचने के लिए ईवीएम को क्या मुद्दा बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में फिर कांग्रेस की जीत कैसे हुई? ये तमाम सवाल हैं, आज इन पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनों के द्वारा गड़बड़ियां करके मोदी ने मध्य प्रदेश और अमित शाह ने सरकार बनाई। ईवीएम की बजाय तो गरीब कल्याण पर चर्चा करें, जो मैंने आपसे कहा है। भारतीय जनता पार्टी का सर्वे, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद जीते हुए नहीं मान रहे थे, फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ? ईवीएम पे भी बहुत बड़ा सवाल है। ईवीएम पर प्रश्न खड़े करना, ये उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? जी हाँ, चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी जहाँ जश्न मना रही है, वहीं विपक्षी कांग्रेस अब भी सदमे में दिख रही है। कुछ को तो ऐसा सदमा लगा है कि वो अब अपनी हार के लिए बलि का बकरा ढूंढने लगे, और इसमें उन्हें सफलता मिल भी गई है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में ईवीएम को बलि का बकरा बना दिया गया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब कुल 230 सीटों के आंकड़े आपके पास है। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को पड़े वोटों की संख्या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है। सोचने की बात है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। दरअसल दिग्विजय सिंह ये बता रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में अगर कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले तो ईवीएम में वो पिछड़ कैसे गए। बहरहाल हर बार की तरह इस बार भी दिग्विजय सिंह ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, और दिग्विजय के करीबी और बीजेपी की लहर में लहार से निपटने वाले गोविंद सिंह भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। जनता रो रही है, भाजपा खुशियां मना रही है। कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा था, कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनों के द्वारा गड़बड़ियां करके मोदी ने मध्य प्रदेश और अमित शाह ने सरकार बनाई है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार हुआ है। कांग्रेस चुनाव हारने के कारण ढूंढ रही है, और ईवीएम पर प्रश्न खड़े करना, ये उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। इतने बड़े नेता, आपको लोकतंत्र में व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है? कर्नाटक और हिमाचल के अंदर आपको विश्वास है, और देश के अंदर बाकी अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो आपको ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं? तो ये तो कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, उसका वो कारण ढूंढ रहे हैं कि हम क्या कारण है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप से अलग अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के अपने ही स्टैंड में विरोधाभास कैसे है। पहले आप कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह के ही भाई लक्ष्मण सिंह का ये बयान सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अगर पांचों राज्यों में देखें तो 4,90,00,000 वोट मिले हैं, भाजपा को 4,80,00,000 वोट मिले हैं, तो वोट प्रतिशत कांग्रेस का पांचों राज्यों में ज्यादा है। सिर्फ लक्ष्मण सिंह ही नहीं, बल्कि इन दिनों सोशल मीडिया में भी ये ट्रेंड कर रहा है कि कांग्रेस को 5 राज्यों में मिलाकर बीजेपी से 10,55,000 ज्यादा वोट मिले। तो इस हिसाब से तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो फिर कांग्रेस को वोट कहां से ज्यादा मिल गए? भारतीय जनता पार्टी का सर्वे, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद जीते हुए नहीं मान रहे थे, फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ? ईवीएम पे भी बहुत बड़ा सवाल है। ईवीएम पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, जिस तरह से इसका दुरुपयोग किया है, 99% ईवीएम मशीन काउंटिंग के समय कैसे रिचार्ज मिल सकती है? ईवीएम खुलने से पहले, मशीन खुलने से पहले पोलिंग वार भाजपा के मतगणना एजेंट जो होते थे वो कह देते थे फला पोलिंग में हमें इतना मत मिलने वाला, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो एक तरफ ईवीएम पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि 5 राज्यों को मिलाकर उसे बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। इस विरोधाभास के अलावा जवाब तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश को लेकर भी है, क्योंकि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती है तो इन राज्यों में कांग्रेस को कैसे जीत मिली? विपक्ष अगर इन
सवालों का जवाब नहीं देगा तो लोग तो यही कहेंगे कि जीते तो हम, हार गए तो ईवीएम। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शिवम शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और शहरयार खान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शहरयार खान जी, 3 तारीख को रिजल्ट आता है, आप लोगों से बातचीत की जाती है तो आप ये कहते हैं कि हम इस पर मंथन करेंगे, हार क्यों हुई, लेकिन 5 तारीख आते आते इतनी जल्दी मंथन हो गया और ये पता चल गया कि सारी गड़बड़ ईवीएम में ही थी। देखिए लोकेश जी, मध्य प्रदेश में जो परिणाम आए थे कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने उसको शौर्य किया था और जनता को धन्यवाद दिया था, लेकिन अब जो निकल के चीजें सामने आ रही हैं, जो हमारे क्षेत्र में प्रत्याशी थे और जो विधायक बने हैं उन लोग की आज जो पीसीसी में मीटिंग थी उसके बाद ऐसे कई हमारे पास सबूत आए हैं जिससे कि हम लोग इस चीज को जो जनता में थी कि हमने तो वोट कांग्रेस को दिया लेकिन कांग्रेस को न मिलकर ये वोट कहां गया, तो उसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर ये आपका फ्रेम थोड़ा सा अभी ठीक कर लेते हैं, उसके बाद मैं लौट रहा हूं आपके पास। शिवम शुक्ला जी, ईवीएम पर फिर से सवाल उठने लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब बीजेपी के नेता खुद अपनी हार मानकर चल रहे थे तो ये अप्रत्याशित रिजल्ट कैसे आ गया? देखिए, सबसे पहली चीज है कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में समझना चाहिए, क्योंकि हार के पीछे अगर कोई वजह है तो ईवीएम चुनाव आयोग या फिर अधिकारी कर्मचारी नहीं है, बल्कि इनके अपने नेताओं का अहंकार और दंभ है जो लगातार जनता के सामने प्रदर्शित हो रहा था, जिसको जनता ने खारिज करने का काम किया है। जहां भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिपक्ष के राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी की तमाम जो हमारे ऊपर आलोचनाएं थी उनको सकारात्मक रूप से लेते हुए लगातार अपने भीतर बेहतर बदलाव करती चली गई। चुनाव के पहले 6 महीने पहले से हमने रणनीति बनानी शुरू की, हमने देखा कि हमने एक इनिशियल स्टेप लेते हुए अपने टिकटों का निर्धारण पहले कर दिया, उसके पश्चात हमारे केंद्र से लेकर के बूथ तक का कार्यकर्ता सक्रियता के साथ अपनी चुनाव में सम्यक भूमिका का निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध था। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता आपसी सिर्फ कुटव्वल और गुटबाजी में व्यस्त नजर आए। हमने देखा कि सब नेता एक दूसरे से कपड़े फाट प्रतियोगिता खेलते रहे, और स्वाभाविक तौर पर जब भी किसी राजनीतिक संगठन में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो परिणाम तो अपेक्षा अनुरूप ही आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने त्रिदेव को मजबूत कर रही थी बूथ पर, 65,000 बूथों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा था, हमारे जो केंद्र और प्रदेश की सरकार की नीतियां थी उनको जमीन पर कैसे सुचारू रूप से उतारा जा सके उस दिशा में प्रयास हो रहे थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते मिल रहे थे, कमलनाथ जी के बगले के बाहर कहीं न कहीं लॉबिंग चल रही थी टिकटों के लिए, टिकटों में पट्टावाद चल रहा था, परिवारवाद चल रहा था, और यहाँ पर लड़ाई जो थी वह वास्तविकता में मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए नहीं थी। यहाँ पर लड़ाई बंगले और बैलेट में कांग्रेस कैसे आगे निकलते। देखिये, सबसे पहली चीज है पोस्टल बैलेट में कुछ अंचलों में कांग्रेस पार्टी आगे है, और जो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस का एक गांव चलने का प्रयास किया था, और हम सबको मालूम है कि पोस्टल बैलेट में बड़ी संख्या में वोट जो होते हैं अधिकारियों कर्मचारियों के वर्ग के होते हैं, लेकिन अब पूरे अधिकारी कर्मचारी वर्ग के वोट को ही पूरे मध्य प्रदेश की जनता के हितों से जोड़ करके देखना, यही प्रवृत्ति तो कांग्रेस को ले डूबती है कि सामंतवाद की यह मानसिकता जिसमें वह जो एक अभिजात वर्ग है उसकी विचारधारा उसकी मानसिकता को पूरे प्रदेश की जनता के ऊपर फूंकने का यह कांग्रेस पार्टी। जुड़ गए हैं वापस हमारे साथ शहरयार खान जी, ऐसे क्या सबूत मिल गए, और अभी तो थोड़ा इंतजार कर लेते, पहले सिलसिलेवार तरीके से देख लेते कहां कहां गड़बड़ी है, उसके बाद उसको उचित फोरम पर उठा देते। ये हर बार जब चुनाव हार जाते हैं ईवीएम आ जाती है, जब जीत जाते हैं तो ईवीएम का मुद्दा पीछे चला जाता है, या तो राष्ट्रीय स्तर पर फिर एक आंदोलन करते कांग्रेस को कि जब तक ईवीएम से चुनाव नहीं कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी चुनाव में। लोकेश जी, कांग्रेस पार्टी की आज जो मीटिंग हुई उसमें हमारे कई पराजित प्रत्याशी और जो पूर्व विधायक थे और कई जो हमारे विधायक हैं उन्होंने सबने एक बात सामूहिक रूप से बोली कि ईवीएम में जहां पर अगर आप बताइए दिन भर वोटिंग हुई है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और उसके बाद ईवीएम सीविल हो गई और जब ईवीएम खुल रही है तो वो 99% कैसे चार्ज बैटरी होगी, और जहां पर बैटरी 50% 60% बाकी थी वहां पर कांग्रेस के फेवर में वोट निकल रहे थे। और एक आपको उदाहरण देता हूं, 1 तारीख का काउंटिंग से 2 दिन पहले
खाचरोद उज्जैन संभाग की एक विधानसभा है, जहां से हमारे जो दिलीप गुर्जर थे पूर्व विधायक जो हार गए अभी हाल में, उन्होंने वहां के चुनाव प्रभारी जो भाजपा के थे अजीत छाजड़, लोकेश जी आप भी सर्च कर लीजिए फेसबुक पे, मैंने 2 बजे आज दिन में वो उनकी पोस्ट देखी है, उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट और वो देखा है, और अब जब हमने उसको सर्च करा लाइव तो वो आज भी वो स्टेटस उनका पड़ा था 1 तारीख का, कि उसमें उन्होंने 93,000 वोट भाजपा को दिखाए थे 1 तारीख को, 77,000 वोट कांग्रेस को दिखाए थे, 8,300 अन्य प्रत्याशियों को दिखाए थे, और वो स्टेटस जो था वो कॉपी पेस्ट हुआ 3 तारीख को चुनाव आयोग के परिणामों में, तो वो दोनों कॉपी उन्होंने दिखाई, उसका दिग्विजय सिंह जी ने फिर लिया है। आपके और नेता लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि पूरे देश भर में 10 लाख ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासन ने गड़बड़ियां की, तो छत्तीसगढ़ में अरे लोकेश जी 10 लाख वोट ज्यादा मिले, अरे लोकेश जी हम ये बोल रहे हैं कि 10 लाख 10.5 लाख वोट हमको ज्यादा मिले, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाजपा का वो पाप छुप जाएगा जो ईवीएम से उन्होंने करा है, जब सारे सर्वे सारा माहौल जनता में जो था, ये आपके ही नेता कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, उन्होंने ये संदर्भ दिया कि जब 10.5 लाख वोट हमारे ज्यादा थे तो हम कैसे हारे हैं, ये उन्होंने प्रश्न लगाया, आप उसको क्वेश्चन को फिर से एक बार सुने, उन्होंने दूसरी बात कही जी, और भ्रष्टाचार को लेकर बात कही, लेकिन उन्होंने ईवीएम को साफ तौर पर नकारा, उन्होंने कहा कि 10 लाख ज्यादा वोट है हमारे पास। बिल्कुल लोकेश जी, मैं आपके इस सम्मानित चैनल जो कि एक बड़ा चैनल है और मध्य प्रदेश का लीडिंग चैनलों में आता है न्यूज स्टेट, इस पे आह्वान करता हूं भाजपा से, शिवराज सिंह चौहान से, नरेंद्र मोदी, अमित शाह से, जो इस चुनाव के कारगुजार थे, अभी वो जो मशीनें हैं वो स्ट्रांग रूम में ही हैं, अगर इतना उनकी माहौल है, इतना काम करा है, इतनी वेब चल रही है, तो वो मशीनों में विपक्ष को और मीडिया के साथियों को बुला के 500 वोट डालकर एक बार फिर से उसकी गिनती करा के देख कि ईवीएम में क्या निकल रहा है, हमारे भी ये जो बार बार की तो जो आरोप इन पे लगते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और देश भी संतुष्ट हो जाएगा। वो क्या वहाँ पर जो एजेंट थे उनको नहीं दिखाया गया जब काउंटिंग की गई, क्या वो सारी जगह पर ठीक नहीं निकली है? वो ही तो, जब हमारे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी ने भी आपके यहाँ भी वाइड दी और उन्होंने भी बताया कि 99% बैटरी कैसे, ये आप बताइए ना, 12 घंटे 10.5 घंटे 11 घंटे बैटरियां चली हैं और जब काउंटिंग का टाइम आया है तो वो फिर से 99% बैटरी कैसे चार्ज होगी, नहीं आया उस दिन तो हमने ये कोई बयान नहीं सुना इस तरह के कि उन्होंने, अरे तो सेम, अरे लोकेश जी आप एक बात बताइए, परसों अभी 48 घंटे हुए काउंटिंग खत्म हुए, लोग क्षेत्रों में थे, आज जब भोपाल पहुंचे हैं तो ये सारे फीडबैक मिल रहे हैं, हम क्या उसी टाइम यहाँ पर वाइट देने में समय लगता है क्या किसी को, एक पोस्ट अभी आप यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। अरे लोकेश जी वही तो बात बोल रहा हूँ, अगर देखिए मैंने देखिए लोकेश जी, मैंने आपकी सारी बात मान ली और भाजपा जी की सारी बात मान ली, भारतीय जनता पार्टी के नेता आप उन चीजों पर चर्चा करते हैं जो बीजेपी दावा करती है, बीजेपी ये कह रही है कि आप 6 महीने पहले टिकट देने की बात कर रहे थे, क्या आपने टिकट दिए, क्या आप इस बात को लेकर साथ साथ टिकट आपने नहीं बदले अपने ही, क्या जितनी रैलियां शिवराज सिंह चौहान ने की या फिर केंद्रीय नेताओं ने की या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की, उतनी मेहनत की क्या कांग्रेस पार्टी ने, उसको भी तो एक बार कंपैरिजन में जनता के सामने आपको रखना चाहिए। शहरयार खान जी आपसे ही सवाल था, ये सवाल मुझसे सवाल है जी जी, देखिए हम लोगों ने काफी लंबे समय से उपचुनाव के बाद तैयारी की थी, हमारा संगठन बूथ तक और सक्रिय था, उसी से घबराकर और जो जनता का हमें आशीर्वाद मिल रहा था उससे ये भ्रमित करने के लिए इस तरह का इन्होंने शगल रचा। हमारी जन आक्रोश यात्रा में मैं उस यात्रा में शामिल था, 2-2 बजे रात तक अगर विंध क्षेत्र में और महाकौशल में लोग आदिवासी आपका एक क्षेत्र में 2-2 बजे तक सुनने को बैठे थे, और ये तो शायद आपको आकलन करना चाहिए। अभी ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं, शिवराज सिंह चौहान सुबह में लाडली बहनों के साथ थे, अभी वो रैन बसेरे में पहुंच गए हैं, बेशक वो चुनाव जीत गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी देखिए लगातार एक्टिव हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, शायद ये एक लोकेश जी, हाँ
लोकेश जी, ये एक्टिव दिखाने का जो परसेप्शन हो रहा है, उनको पता चल गया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, तो इसीलिए वो इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं। और ये सब नोटंकी करने में ही तो उन्होंने मध्य प्रदेश के 19 साल गवाह हैं, और उनको समझ आ गया है कि भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, इसलिए उन्होंने अपने विरोधियों को भी निपटाया, चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते लोकेश जी फग्गन सिंह कुलस्ते सेंटर मिनिस्टर जो 7 बार के सांसद, उनको निपटा दिया, नरोत्तम मिश्रा को निपटा दिया, कमल पटेल को निपटा दिया, उन्होंने महेंद्र सिंह सिसोदिया को निपटा दिया, और आपके सज्जन सिंह वर्मा किसने निपटा दिया? बिल्कुल वही हम बोल रहे हैं, प्रतिपक्ष किसने निपटा? बिल्कुल यही ईवीएम ने निपटाया है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शिवराज की राह में जो जो रोड़े बने उनको निपटाया है, और उससे पहले लाडली बहना से जब वो मिले, वो भी दिखाई, वो खाना खाकर आए, वो भी तस्वीरें सामने आई, लगातार वो अभी भी सक्रिय दिख रहे हैं। लेकिन ईवीएम पर जिस तरीके से ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है, ये क्या कांग्रेस को आगे ले जाएगा, या अभी भी उसी वो फील गुड में है कि नहीं हम तो जीत रहे थे भाई, ये तो गड़बड़ी ईवीएम की है, हमारी कोई गड़बड़ी नहीं? देखिए लोकेंद्र जी, पिछले बार आप देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों में कांग्रेस की सरकार आई थी, तो उस समय में तो कांग्रेस ने ये बात नहीं कही कि ईवीएम में गड़बड़ी थी। मेरा ये मानना है कि ईवीएम को लोकतंत्र में भरोसा करता सरियार जी मेरे मित्र हैं, और मैं ये मानता हूं कि जहां जिन सीटों पे कम वोटों से वोटिंग हुई, आप देखें रीवा में अभय मिश्रा कांग्रेस से जीते हैं 625 वोट से, अगर ईवीएम में गड़बड़ी करनी होती तो उनको क्यों जीतने दिया जाता, वहां भी तो गड़बड़ी हो सकती थी। दूसरी बात, अगर आप 66 सीटों पर जीत हासिल किए तो कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ी इतनी ज्यादा होती तो क्यों जीतते, ये स्थिति बनती। पिछली बार जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय 7-8 सीटों की जरूरत थी बीजेपी को, तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो उस समय सरकार कांग्रेस की नहीं बनती। तो मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र पे आप भरोसा करना चाहिए, सभी पार्टियों की बात मैं कर रहा हूं, कोई भी पार्टी अगर इस बात को तर्क दे कि ईवीएम में गड़बड़ी होकर और जब वोट बैंक अपने पक्ष में कर लिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता है। आप देखे कर्नाटका में जीत हुई, वहां ईवीएम में नहीं गड़बड़ी हुई, आप वहां चले जाए तेलंगाना में, वहां ईवीएम में गड़बड़ी हुई। तो मुझे लगता है इन सब बातों का कोई तर्क नहीं है, तर्क ये है कि देखिए संगठन जो है कांग्रेस का संगठन उस तरीके से, मुझे लगता है जो कि उस तरीके जिस तरीके से चुनाव में आना चाहिए था उस तरीके से कहीं कमी रह गई, उस पर अब कांग्रेस को अध्ययन करना चाहिए कि किस तरीके से हम अगले चुनाव की तैयारी करें और जिसमें हम अच्छी से अच्छी जीत सुनिश्चित करें, हमारी पोर्टफोलियो तय हो, हम युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी की इन सब की बात करके हम आगे ले आए, पब्लिक को संतुष्ट करें। भाई जनता जिसको मत करेगी जीतेगा तो वही, चाहे वो बीजेपी में बीजेपी का व्यक्ति हो या कांग्रेस का। तो मुझे लगता है कि विकास और काम के तय प्रदीप जी, आपको लगता है कि जब 2003 में एक हार होती है, उसके बाद 8 में हार होती है, इसके बाद आप देखिए 13 में हार होती है, 18 में बराबरी का मुकाबला आता है, और उसके बाद 23 में हार होती है, अगर 5 में से 4 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है, और उसमें अगर हम लोकसभा को भी जोड़ लें, तो क्या आपको लगता है कि कोई लीडरशिप पर जिम्मेदारियां तय होंगी यहां पर अभी भी, या जो चेहरे हैं वही बने रहेंगे? निश्चित तौर पर लोकेंद्र जी, देखिए आप कांग्रेस में एक बार लौट रहे, शिवराज जी कुछ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री सुन लेते हैं। आगे शीतलहर की भी संभावनाएं हैं, सर्दी बढ़ गई है, यहाँ आज जब मैंने व्यवस्था देखी है, कुछ लोगों ने अलग अलग तरह की बीमारी बताई है, तो उनका कल चेकअप यहाँ होगा। सभी रैन बसेरों में मध्य प्रदेश में रात को चेकअप करेंगे, ताकि दिन में लोग काम करने जाते हैं रात में वापस आते हैं तो उनका प्रॉपर चेकअप हो सके, बाकी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहे ये मैं देखने आया हूँ। जहां कोई कमी होगी उसको भी पूरा करेंगे, और सभी शहरों में जहां रैन बसेरे हैं जनता रहती है, और सड़कों पे भी जहां आवश्यक है वहां अलाव का, आग का और ठंड से बचने का पूरा इंतजाम किया जाए। बीजेपी के सारे नेता दिल्ली में मिल रहे नेताओं से, ये मेरी ड्यूटी है कि सर्दी से बचने के इंतजाम पुख्ता होना चाहिए, इसलिए मैं अपने लोगों के पीछे। सांसद सारे निर्देश दिए हैं,
एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रवाना हो रही है बचाने के हर संभव प्रयास। शिवराज जी डीएमके के सांसद ने कहा है बीजेपी सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। छिंदवाड़ा जा रहे हैं कल आप? छिंदवाड़ा? हाँ मैं कल छिंदवाड़ा जाऊंगा। वहाँ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में जीती नहीं है, इसलिए वहाँ जाना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और हमारा संकल्प है लोकसभा के चुनाव में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पहली बार हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो उसमें मध्य प्रदेश का योगदान 29 सीटों का होना चाहिए। सभी एक्शन प्लान तैयार कर लिए सर आपने? अब उसमें बाद में बात करेंगे। ठीक, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप तिवारी जी, मैंने जो सवाल पूछा लीडरशिप को लेकर कांग्रेस की, उसका आप जवाब दीजिएगा। और ये जो अब दो तीन दिन की सक्रियता दिख रही है रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री की, क्योंकि अभी सवाल भी पूछा किसी ने वहां पर कि तमाम लोग दिल्ली गए हुए हैं, आप यहां पर सक्रिय हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मेरी ड्यूटी, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए शिवराज जी बड़े कद के लीडर है और मुझे लगता है कि जब मोदी जी के साथ वो काम कर चुके हैं, उसी समय मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो अभी मुझे ऐसा नहीं परिवर्तित लग रहा है कि कोई परिवर्तन की स्थिति हो जाएगी लोकसभा चुनाव तक। और मध्य प्रदेश में जिस तरह की सरकार बनी है उनके नेतृत्व में ही बनी है, भले वो मोदी जी का चूंकि एक अलग रहा, केंद्रीय नेतृत्व बड़ा सकारात्मक तरीके से चुनाव लड़ा है मध्य प्रदेश में और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का कोई ऐसा नाम नहीं रहा, लोग कमल का फूल देकर तीनों राज्यों में वोट किए और यही कारण था कि इनको प्रचंड बहुमत मिली, कुछ योजनाओं का इनका लाभ मिला। ये अब बीजेपी के अंदर का मामला है और वो स्पष्टता भी आ जाएगी कुछ दिनों के अंदर। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लेकिन एक बार फिर से सवालों के घेरे में ईवीएम है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ईवीएम पर ही अब ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।